डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये मैं गारंटी देता हूँ इसको अगर आप 5-10 मिनट जो मैं समझाऊँ वो आप सही तरीके से समझ लो, ज़िंदगी में आपको कभी दोबारा मसला नहीं होगा पहचानने में कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है, आप फ़ौरन उसको पहचान जाओगे। ये समझ लो एक पूरा मैंने खुलासा लिख दिया बोर्ड के ऊपर कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर आए कहाँ से हैं, रियल नंबर से आए हैं, ठीक है। रियल नंबर के दो टाइप हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। अब मेजर जो रूल है, हर चीज़ का एक रूल होता है ना, रूल इसका क्या है कि नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो सब नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि फॉर ऑल पी एंड क्यू, पी और क्यू बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स से, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली मैंने बताया वह डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, अनडिफाइन हो जाएगा। ये शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, अगर आप गौर से देखो तो ये जो नंबर लिखा हुआ है रूट टू ओवर थ्री, ये दिखने में आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में नजर आ रहा है, ये मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप रैशनल नंबर नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, मैंने तो ऊपर कहा है कि नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको वो रैशनल है, इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि इसमें जो पी है मतलब न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, वो एक आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल में ये होता है नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, मतलब ऐसे नंबर जिनको आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसमें पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, वो नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अगर आप गौर से देखो इस नंबर को आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसमें पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। इस नंबर को आप जिस तरीके से भी लिख लो इसमें P आपका या Q आपका दोनों बैक वक्त इंटीजर से बिलोंग नहीं कर सकते, या तो 3 जो है डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, न्यूमरेटर इंटीजर से नहीं कर रहा। अगर आप इसको कुछ डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो उसमें न्यूमरेटर इंटीजर से बिलोंग करेगा लेकिन डिनोमिनेटर नहीं करेगा, तो इस नंबर को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ऐसे नंबर जिनको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, उनको आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे। अब ये एक रूल बता दिया, ठीक है। अब इस रूल के तहत कौन कौन से नंबर आ रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं सब आपके पास रैशनल है, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं जैसे -1 है उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो ना, जितने भी इंटीजर्स हैं। अच्छा, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम, ऑड सब आ गए। जब इंटीजर रैशनल है तो इसका मतलब है नेचुरल, होल, प्राइम, ऑड, इवन सब आपके पास रैशनल होंगे। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, तो इसका मतलब है सारे इंटीजर रैशनल हैं। इसी तरह रूट एन, वेयर एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास कोई रूट लिखा हुआ हो जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब 25 या इसके अंदर 16 या इसके अंदर 36, ये सब रूट के अंदर क्या लिखे हुए, परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए, ठीक है, तो ऐसे नंबर भी क्या होंगे, रैशनल होंगे। रीजन, रूट 5, रूट 16, 4, रूट 36, 6, और इन सब नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट्स वाई ये वाले नंबर भी क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। उसके बाद अब डेसिमल्स की बात की जा रही है, अभी बस फ्रैक्शन या होल इंटीजर की बात की जा रही थी, अब डेसिमल की बात की जा रही है कि अगर आपके पास डेसिमल लिखा हो तो आप कैसे पहचानोगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। देखो, चार टाइप के आपके पास डेसिमल होंगे, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये चार पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा नहीं बन सकती। ऐसे नंबर जो नॉन रिकरिंग हो, रिकरिंग होता है रिपीट होना और टर्मिनेटिंग होता है ख़त्म होना, ऐसे नंबर जो नॉन रिकरिंग हो मतलब रिपीट ना हो, ऐसे डेसिमल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे डेसिमल जो रिपीट ना हो और ख़त्म हो जाए वो सब रैशनल है। जैसे 0.21 ये रिपीट नहीं हुआ लेकिन ख़त्म हो गया, 0.481 रिपीट नहीं हुआ ख़त्म हो गया, तो ये सब नंबर क्या होंगे, रैशनल होंगे। इसको आप ये भी लिख सकते हो खाली, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की दो टाइप होगी ना, ऐसे डेसिमल जो ख़त्म हो गए लेकिन रिपीट नहीं हुए, ऐसे डेसिमल जो ख़त्म हो गए लेकिन रिपीट भी हुए। यहाँ पे देखो दोनों ख़त्म हो गए हैं लेकिन साथ रिपीट भी हो रहे हैं, तो दो अलग टाइप हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की।
दूसरी टाइप यही है रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट भी हो रहे हैं और खत्म भी हो गए। तो 0.22, 0.33 ये सब आपके पास क्या होंगे, रैशनल होंगे। ये जो रिपीट होते हैं इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 0. मतलब इसमें नहीं, अगले पॉइंट में आप लिखोगे, अगले पॉइंट में बताता हूँ। तीसरा पॉइंट है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट हो रहे हो और ख़त्म भी ना हो, रिपीट हो रहे हो और ख़त्म भी ना हो। तो ज़रा इसको देख लो, 0.222 ये रिपीट हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, डॉट 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 का मतलब चलता जा रहा है। इसी तरह 0.313131 ये ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इनको लिखने का तरीका होता है, जैसे पहले वाले को आप किस तरह लिख सकते हो, 0.2 बार, बार का मतलब होता है नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, मतलब 0.2222 चलता जा रहा है। इसी तरह इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 0.31 बार, क्योंकि इसमें 3 और 1 दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो रिपीट हों और ख़त्म भी ना हो वो भी आपके क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। सिर्फ ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहे भाई और जो ख़त्म भी नहीं हो रहे, ऐसे नंबर जो ना रिपीट हो और जो ना ख़त्म हो, वो वाले क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जैसे इस नंबर को देखो, ये ना तो भाई रिपीट हो रहा है ना ये ख़त्म हो रहा है, डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस वाले को देखो, ना ये ख़त्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा। तो एक तो इस टाइप के नंबर्स होंगे, दूसरे रूट वाले फॉर्म में होंगे जिसमें एन जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब √21, √248, रूट के अंदर बस एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल बन जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल बन जाएगा, ठीक है भाई। ये पूरे रैशनल और इरेशनल नंबर है। इसके बाद आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानने की, सारे नंबर इसके अंदर कवर हो गए। ये जो पॉइंट लिखे हुए ना, इसके अलावा आप जिंदगी में कोई नंबर नहीं देखोगे, हाँ इन तीन नंबर्स के अलावा, ये तीन नंबर्स भी आपको नजर आएंगे, ठीक। तो इन नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है। सबसे पहला नंबर मैंने बताया था ऑयलर नंबर है, ठीक है, ऑयलर नंबर, इरेशनल नंबर है। ये तीनों नंबर जो है ये आपके इरेशनल नंबर है। मैंने हेडिंग बनाई हुई है फेमस इरेशनल नंबर्स, और इनकी वैल्यू भी शुरू के मैंने 60 डेसिमल प्लेसेस लिख दी है। देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहे और ये ख़त्म भी नहीं होंगे, ये बढ़ते जाएंगे। इसी तरह दूसरा नंबर पाए, ना रिपीट हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है। इसी तरह आखिरी है गोल्डन रेशो, गोल्डन रेशो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उसकी वैल्यू भी है, वो भी आपके पास मशहूर एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड मैंने एक एक बात आप लोगों को बता दी है।